Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ऐसी कौन सी जगह से रिश्ता आ गया कि तुम झट से बेटी देने को तैयार हो? अरे ये अपने सामने वाले नहीं है, बड़े पढ़े लिखे अमीर लोग हैं। अम्मी मुझे तो लगता है आपका बस नहीं चलता, आप कल के बजाय आज ही मुझे इस घर से रुखसत कर दें। फिर बेटी की शादी हजार चीजें होती हैं, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाती है शादी। ये देखो, ये फिर जाके अपने कमरे में मर गई। शन्ना, ओ शन्ना, आ रही हूँ। क्या है अम्मा, मैंने कहा भी था ना कि मुझे तंग मत करना, बताया था ना कि मैं आजकल मेकअप करना सीख रही हूँ। मालूम है मुझे, बात सुन, मैं अख्तर के साथ उसकी ससुराल जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। है? मैं बनाऊंगी खाना? मैं क्यों बनाऊंगी खाना, वो भी इतनी शदीद गर्मी में? हरगिज़ नहीं। ये बात सुन, ऐसे कैसे पूरा होगा ये मिशन? अभी तो तेरी मंगनी हुई है तो तू अपनी औकात पर आ गई। बात सुन भाई, अभी मंगनी हुई है, ये टूट भी सकती है। हाय अल्लाह, माँ क्या हो गया, किस तरह के बदफाल मुँह से निकाल रही हो, हद होती है। यानी कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल भी सकती है भला क्या? अरे बात सुनो, दोनों बहन भाइयों की शादी का सारा इंतजाम मुझे ही करना है, तुम्हारा बाप तो किसी काम का है नहीं, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मेरी बात सुनो ना अम्मा, वैसे ही बात करो ना जैसे मेरी सास से करती हो। अब तू ना मेरे हाथ से पिट जाएगी, आई बात तेरी समझ के? तौबा तौबा, ये भी नहीं सोचती कि शादी होने वाली है, बच्चे की इतनी जोर से मार दिया, निशान पड़ गया तो? अच्छा बना दूंगी कुछ ना कुछ। ले लो अम्मा, मिठाई ले आया हूँ। एक बात बताओ, ये रोज रोज मैं अगर दुकान बंद करके यहाँ आता रहूंगा, दुकान चलेगी कब? बेटा नई नई ससुराल है ना, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। ये बता, तूने बाइक का इंतजाम किया? अरे हाँ मैं ले आया हूँ, अब तैयार हो जाओ चले फिर। बस चल फिर, ठीक है मैं दो मिनट के अंदर तैयार होके आती हूँ। ये कौन करेगा? ये तुम करोगी और खाना भी पकाओगी, समझी? हाँ तो मेकअप कौन करेगा? बस बेटा तुम जाओ, जल्दी फटाफट जाकर तैयार हो, मैं देख लूंगी सब कुछ। हमें क्या जरूरत है तैयार होने की, मैंने कौन सा उनके सामने जाना है? क्यों नहीं जाना सामने भाई, जिस घर में ब्याह कर जा रही हो, जिन लोगों के साथ सारी जिंदगी गुजारनी, उनके सामने भी जा सकती तुम? प्लीज अम्मी। कोई प्लीज प्लीज नहीं, बस जाकर जल्दी से फटाफट तैयार। क्या कहेंगे, अरे वो तारीख लेने आए और हमारी लड़की है कि सजाड़ मुंह फाड़ घूम रही है। अम्मी कोई अम्मी वम्मी नहीं हो रहा, और हाँ उनके साथ कुछ देर बैठ भी जाना। अब इतना तो जुल्म मत करें आप मुझ पे। अरे अच्छा अब जाओ, जाकर तैयार हो। ये शीर कोरमा देख लीजिएगा। अरे भाई देख लूंगी, तुम जाओ लड़की। देखो चम्मच भी इसने गरम छोड़ दिया। हेलो। हेलो जी, कौन? सारंग, आपका सारंग। सारंग अम्मा तो घर पे नहीं है। तो अच्छी बात है। देखो शन्नू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो मैंने अच्छे लड़कों की तरह तुम्हारे का रिश्ता भेजा है ना, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अच्छी लड़कियों की तरह अपने होने वाली मजाजी खुदा की खुशी का ख्याल रखो। वो कैसे? मुझे तुम्हारा सेल नंबर चाहिए। देखो बात करने का तो हक है ना मुझे तुमसे। नंबर? अगर नंबर कैसे दूं मैं आपको, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। ओ कोई बात नहीं, कल मैं अपनी खुशी से अपनी मर्जी का मोबाइल फोन तुम्हें ला के दूंगा। मगर अम्मा अगर उन्हें पता चला ना मुझे बहुत डांटेगी। तो मम्मा को बताना ही ना। वो भाई भाई आ गया है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। वाह शन्नो, क्या बात है तेरी, क्या टाइम पे तेरे दिमाग में आइडिया आया। हाँ मारा नहीं तो शहर का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं छोड़ा तूने, गाड़ी उछाल उछाल के मेरी हड्डियों में दर्द कर दिया।
इतना तो ख्याल कर लेता, माँ को लेके जा रहा गर्लफ्रेंड को नहीं। तो पहली बार अम्मा बिठाई है भाई, मुझे क्या पता ऐसे होता है। चलो तक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह चन्नू को क्यों नहीं लाई? अरे घर में भी तो किसी को छोड़ना था ना। आई अंदर आई। ये तो बहन, खास तौर पे तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। खैर से मेरी शन्नो का रिश्ता तय हो गया है। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक बहन। मुबारक। खैर मुबारक हो भाई, खैर। और अख्तर बेटा तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद से भी ज्यादा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदा सुखी रहो बेटा। आमीन आमीन। ससुराल के सुख का बाइस बनो। बहुत दानाई वाली दुआ दी है आपने। बस मैं बात करने आई थी आप लोगों से। वैसे तो अख्तर के अब्बा को साथ लाती, लेकिन उन्हें कुछ काम पड़ गया। कोई बात नहीं, वैसे भी अब अख्तर घर का ही बेटा है। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे आज ना अख्तर मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर आया है। हमारी नहीं है मोटरसाइकिल। हाँ हमारे घर तो मोटरसाइकिल ही नहीं है। अख्तर अपने दोस्त से उधार लेकर आया है, तो मैंने और अख्तर ने तो ये फैसला कर लिया है कि हम जहेज में कुछ दें ना दें, दूल्हा को मोटरसाइकिल जरूर देंगे। ठीक है, आपने शन्नो की रस्म होगी मंगनी की या भी करेंगे? हेलो, ये भी तुमने खूबी का भाई है। ये गैरों वाली बात कर दी तुमने। तुम्हारे बगैर रस्म हो सकती है क्या? पर जैसे ही शन्नो के ससुराल वाले मंगनी की तारीख देंगे, मैं फोन खड़का दूंगी। आपके इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे यही बात करनी थी कि शन्नो के ससुराल वाले है ना जरा जल्दी कर रहे हैं, तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि अपनी अमानत ले जाऊँ। आपने जो तैयारी करनी है कर ली। कब तक इरादा है अपना करने का? बस अगले महीने या फिर उससे अगले महीने के शुरू में, बस इससे ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए वक्त में हम तैयारी कर लें। ये कहकर तो भाई आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अम्मी खाना लगा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल खाना लगा दो भाई। अरे खाने का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बहन? वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस इतवार को ना मंगनी कर देते। सही सोच रही, छुट्टी का दिन होगा, सारे मेहमान आ जाएंगे। वैसे हमने सारंग की शादी में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मेरा मतलब है कि अभी अभी तो ये घर लिया है और आपकी रिटायरमेंट का सारा पैसा भी इस पर लग गया। अगर उन्होंने जल्दी शादी का मुतालबा कर दिया तो भी करेंगे। नाजरीन बेगम, अब ऐसे भी हालात नहीं है कि बच्चे की शादी ना कर सके। अरे मैंने तो दोनों बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं। शादी की तो आप फिक्र ही ना करें, वो तो आराम से हो जाएगी। अरे वाह, मैं तो यूं ही डर रही थी हैं। आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा सुने, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारंग की मंगनी हॉल में कर देते? अब देखे ना, आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सभी लोग तो आएंगे, शन्नो का घर देखेंगे तो सब लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। अब हॉल में तो सिर्फ लड़का लड़की के घर वाले ही होंगे ना। भाई वो हॉल का खर्चा जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ ये तो मुझे भी पता है। मैं सोच रही हूँ कि जाकर ना जमीला से बात करती हूँ और उसे कहती हूँ कि हॉल में मंगनी कर लेते हैं और हॉल हमारी तरफ से होगा। ये बात जो है वो सिर्फ उनके और हमारे दरमियान में रहेगी, हम किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। ना ना भाई, मेरे पास तो शादी के खराजात के पैसे हैं। अरे आप उसकी फिक्र मत करें, मंगनी का खर्चा मैं खुद ही कर लूंगी। मैंने भी थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी है। तो फिर किस बात की देर है? बिस्मिल्लाह करो। बस मैं तो ऐसे ही डर रही थी, अब अल्लाह करे जमीला और उसका मियां मान जाए। अरे मान जाएगी, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो।
मान जाएंगे। अल्लाह करे। मैं उसके घर जितने देर भी रहा उसने एक बार भी मुझे नजर उठा के नहीं देखा। मुझे यकीन है इस रिश्ते से कुछ नहीं है। उसके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही थी मुझे। वो जरूर उस लड़के से। बेवकूफ बुद्धू, उसके पास तेरा नंबर ही नहीं होगा। वो क्यों अजनबी नंबर से कॉल उठाए? अख्तर, चलो पहले उसे मैसेज कर देता हूँ। प्लीज फोन उठाओ, मैं अख्तर आपका मंगेतर। अख्तर, ओ मेरे खुदा, तो इनकी बहन ने इन्हें मेरा नंबर सचमुच दे दिया। उफ, अब मैं उनसे क्या बात करूंगी, जबकि अभी तक मैंने उन्हें सही से एक्सेप्ट भी नहीं किया। दिल के मकीन तब्दील करना इतना आसान कहां? अभी पुराने जख्म इतने गहरे हैं कि मोहब्बत के नाम से ही खौफ आता है। मैं फिर ऐसे में उनसे क्या बात करूंगी? और अगर इस बात को उन्होंने अपनी आना का मसला बना लिया फिर? ओफ, क्या करूं मैं? थैंक गॉड भाई, फाइनली मेरे पेपर्स खत्म हो गए। अब सुकून से आपकी मंगनी की शॉपिंग करूंगी। तो फिर आज से आप अपना दिल, अपना वक्त और अपना वॉलेट सब कुछ आधा कर ले। मेरा दिल, मेरा वक्त और मेरा वॉलेट अपनी जंगली बिल्ली के लिए हमेशा अवेलेबल। और हुक्म करो। मक्खन लगाया जा रहा है, लगता है फिर कोई राजदाराना काम करवाना है हमेशा की तरह। एक तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आती कि मेरे अजायम की खुशबू तुम तक कैसे पहुँच जाती। भाई मैं आपकी हमेशा से क्राइम पार्टनर जो रही हूँ, लेकिन इस दफा क्राइम का कोई इरादा नहीं। इसका फैसला तो काम सुनने के बाद किया जाएगा। तुम शन्नू के घर जाओगी और उसको जाकर मेरी तरफ से गिफ्ट दोगी। वाव, इसमें है क्या? मोबाइल फोन। सही कहते हैं आप भाई, बिना देखे गुजारा हो सकता है लेकिन बात करना जरूरी है। बड़ी शरारती होगी तो तुम नॉटी गर्ल। हाँ, काम तो आपका कर लूंगी मैं, लेकिन नॉटी गर्ल को क्या मिलेगा बदले में? देखो भी बात यह है नाइमा, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं। पर भाई मैं फिर भी लूंगी आपसे। खोल के देखिए। नहीं नहीं, खोल नहीं। तुम अभी फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ। मगर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैर तो है ना? हाँ, वो दरअसल कल रूबी की सास आई थी। अच्छा, शादी की डेट लेने आई होंगी। हाँ, मगर आते ही उन्होंने एक अजीब सी बात की। गैर महसूस अंदाज में उन्होंने बाइक की डिमांड कर दी है। हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हारे लिए बाइक अरेंज करना इतनी बड़ी बात है? नहीं बीना, बात मुश्किल की नहीं है, लेकिन उनका डिमांड करना मुझे खटक रहा है। जाहिदा, तुम किस दुनिया में जी रही हो? अल्लाह माफ करे, आजकल की तो हर माँ बेटे की नीलामी करने पर तुली हुई है। बेटे पर खर्च की गई रकम
जहेज के नाम पर वसूल की जाती है लड़की समेत। पता नहीं ये जमाना किस रविश पे चल पड़ा है। लेकिन ये तो लालच है। देखो अगर सच कहूँ ना तो टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल ये आम गरीबों की डिमांड है। मगर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो जबरदस्ती हुई। जबरदस्ती तो है ज्यादा, मगर पूरी तो करना पड़ेगी। कम से कम जमीला तुम्हारी नन जैसी तो नहीं है ना, जो अपने नाकारा बेटे के लिए लड़की वालों से जहेज के नाम पर उनकी जमा पूंजी वसूल करना चाहती है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी जिंदगी में भी उन जैसे लोगों से कभी भी टकराए। वैसे तुम में कुछ है, बात करके ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है। खुलूस और सिर्फ खुलूस मोहब्बत। चलो आ जाओ चलते हैं। कौन आ रही हो? अरे अनायमा तुम? अब तुम तो आ नहीं रही थी, मैंने सोचा खुद ही चक्कर लगा दूं। हाँ बस काफी दिन हो गए थे। बैठो बैठो तुम। अनायमा घर पे कोई नहीं है, वरना मैं तुम्हारे भाई को बुलवा लेती। कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं थोड़े से टाइम के लिए आई हूँ। ये लो अपना गिफ्ट, सारंग भाई ने दिया। अरे मगर मुझे क्यों दे रही हो? अम्मा तो अभी घर पे नहीं है, वो आए तब देना। अम्मा को क्यों दूं? पागल तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हम्म। क्या है इसमें? खुद ही खोलो। ये तो बहुत अच्छा और बहुत कीमती भी लग रहा है। लेकिन तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। शुक्रिया। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे मामा के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? कुछ खाओ कुछ पियो फिर जाना। फिर कभी सही। ओके तुम शॉपिंग पे जा रही हो? हाँ। चलो ठीक है, मुझे बताना फिर क्या क्या लोगी, ठीक है ना? ओके ओके। अच्छा सुनो, अपने भाई को मेरी तरफ से ना बहुत शुक्रिया कहना। ओके बाय। चलो आ। अम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं अख्तर तुम्हारा मंगेतर, फोन उठाओ। अम्मी कल से कोई 10 कॉल्स आ चुकी हैं। हाँ बेटा तो उसमें परेशानी की क्या बात है, अपने और उसके रिश्ते को मजबूत करने के लिए तुम उससे बात कर लिया करो। ये लो। और वैसे भी आजकल सब कुछ चलता है, इंसान को जमाने के साथ ही चलना पड़ता है। मैं उनसे क्या बात करूंगी और क्या जरूरी है? आप लोगों ने चाहा मैंने मंगनी कर ली, आप लोग चाहेंगे मैं शादी भी कर लूंगी, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है अम्मी? क्या बात उनसे ऐसी कही कि वो फौरन मान गए? बेटा सारी बातें बताना जरूरी नहीं होता, ये सारा सामान उठाओ और कमरे में जाकर रखो। लेकिन जब गुंजाइश नहीं है तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या? जरूरत हमारी नहीं है मियां जी, लड़के वालों की है। ऊंचे ऊंचे लोगों से ताल्लुक आते हैं उनके, वो तुम्हारे इस फटीचर घर के अंदर अपने लोगों को नहीं बुला सकते। हम ना जल्दी जाएंगे, ऐसा ना इसकी सास बोले कि हम गैरों की तरह वक्त पर आए हैं।